माँ बनना बहुत कठिन काम है और न्यू मॉमी पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान की। ये ब्रेस्ट अवेयरनेस वीक है यानी स्तनपान जागरूकता सप्ताह, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट फीडिंग की सही टेक्निक। ब्रेस्ट फीडिंग की सही टेक्निक क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है माँ को, और ज़्यादातर ये देखा गया है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक सही नहीं होती है इसलिए समस्याओं का वो सामना करती है। ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोजीशन ऑफ द बेबी और दूसरा बच्चा लैच यानी अटैच कैसे कर रहा है ब्रेस्ट पे। बच्चे की फीड कराने की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, आप गोद में फीड कराएं पर ये देखें कि आप और बच्चा बहुत कंफर्टेबल हों, आपकी बैक अच्छे से सपोर्टेड होनी चाहिए, चाहे पिलो से सपोर्ट करें, सीधी हो बहुत अच्छा, नहीं हो पाता थोड़ा सा टिल्ट करके कराना चाहते हैं पर किसी भी प्रकार का बैक पे स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे की गोद में जो पोजीशन हो वो उस लेवल पे हो ताकि बच्चे का मुंह ब्रेस्ट के पास आ सके। इनफैक्ट बच्चे के से जो मदर का टच होता है वो एक बहुत अच्छा स्टिमुलस होता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। यही जो टच होता है इसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। अच्छा, सही पोजिशन में कब माना जाता है? जब सिर, बॉडी और बच्चे के बटक्स एक ही लाइन में हो, बच्चे की गर्दन किसी भी तरह टिल्ट नहीं होनी चाहिए, और बच्चे के सिर के नीचे हाथ रखेंगे आप तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गर्दन पे किसी तरीके का टिल्ट आए। पूरे बच्चे को एक ही लाइन में एक पूरे बाजू पे सपोर्ट कीजिए, बच्चे को ब्रेस्ट के पास रखिए और देखिए बच्चे की जो चिन है वो ब्रेस्ट से टच हो रही हो। उसके बाद उंगली से या फिर ब्रेस्ट के निपल से बच्चे के अपर लिप पर रब कीजिए जिससे बच्चा माउथ ओपन करेगा, और तभी आप अच्छे से बच्चे को लैच करा पाएंगे। लैच कराते वक्त बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ होना चाहिए, ना सिर्फ निपल बल्कि एरियोला जो निपल के आसपास का ब्लैक एरिया होता है बच्चा उस पर भी सकल करना चाहिए। बच्चे की नाक नहीं दब रही होनी चाहिए, बच्चे जब सकल करते हैं तो कुछ 3-4 बार सकल करके फिर रेस्ट लेते हैं, फिर आप उन्हें स्वैलो करते हुए देखिए, फिर दोबारा वो सकल करेंगे और फिर वो रेस्ट लेंगे। जब वो सकल कर रहे हैं तो माउथ जो पूरा है वो ब्रेस्ट मिल्क से फिल्ड अप दिखना चाहिए। अगर आप इन सारी पोजिशनिंग और लैचमेंट पॉइंट्स पर फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पाएंगे।